नमस्कार, मैं कनकमल कटारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डूंगरपुर बांसवाड़ा। मैं गीतांजलि हॉस्पिटल में मेरे बेटे को डॉक्टर निशान कटारा कोविड महामारी से पीड़ित था और 23 मई को मैं यहाँ गीतांजलि उदयपुर में लेकर के रात्रि 1 बजे पर आया और उस समय मेरी वो स्थिति थी कि भगवान अब उसका जो 24 सीटी स्कैन जब जानकारी मिली और सागवाड़ा से मैं यहाँ पर गीतांजलि लेकर के 23 तारीख को आया 1 बजे रात्रि को, उस समय में जो परिस्थिति मैंने देखी शायद 24 स्कोर जो सीटी स्कैन वाला व्यक्ति कोई बचा ही नहीं है इस कोविड महामारी के अंदर। और उस समय में डॉक्टर अतुल लोहड़िया जी और शुभकरण जी जो दोनों ही डॉक्टर, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको इलाज किया। डॉक्टर शुभकरण जी का तो मैं इतना कह रहा हूँ, पहले डॉक्टर मुझे समझे जो अपनी अपने काम के प्रति, अपने पेशेंट के प्रति इनकी निष्ठा और कार्य करने की लगन मैंने देखी। ऐसा नहीं कि मेरे बेटे को ही, लेकिन पूरे वार्ड के अंदर जितने भी पेशेंट थे इन्होंने बहुत अच्छी तरह से टैकल किया। मैं तो सोच रहा कि भगवान ने मुझे नई जिंदगी दी है, निशान कटारा को मैं ले कर आज बैठा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये 7-8-10 दिन के अंदर इसकी जो प्रोग्रेस हुई है लंग्स की, बहुत अच्छी तरह से हुई है और आज मेरा बेटा है मेरे पास बैठा है और चलता भी है और अथरू में भी जाता है और उसकी स्थिति को देख करके मुझे बहुत खुशी है कि वाकई में मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया, ऐसा मुझे अनुभव हुआ है। मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, मैं अनकॉन्शियस था, मेरा सीटी स्कोर 24 था। डॉक्टर्स ने यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया। मेरा स्पेशल थैंक्स डॉक्टर शुभकरण सर एंड डॉक्टर अतुल जी सर को है और यहाँ के सारे स्टाफ ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। नर्सिंग स्टाफ हो, सारे स्टाफ ने मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया। आज मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ और सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो राजस्थान और फिर केंद्र में मोदी जी और यहाँ राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने जो पहले भामाशाह की योजना केंद्र से चल रही थी, इसके बाद में आपने जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की योजना मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने चालू की है और हम तो कई बातों से भ्रमित हो रहे थे कि वाकई में ये चिरंजीवी योजना जो है वो लोगों को लाभ देगी कि नहीं देगी। उसे बीमा कराने की जो आधार कार्ड और उसके आधार पर उसको चालू करने की बात की, लोगों ने कई जगह करा रखा और आज जो लाभ मिला है प्रत्यक्ष रूप में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत जीवनदान का काम किया है और यह जो योजना है वो बंद भी नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। इस प्रकार का जो मंशा से, जिस मंशा से काम किया है उसके आधार पर यह काम चलता रहेगा, क्योंकि बहुत ऐसे परिवार जो ऐसे दुखी हैं, इन दुखी परिवारों को उनको लाभ मिल रहा है और आज चिरंजीवी की योजना से जो लाभ मिला है और आने वाले समय में मिलता रहेगा, यही मैं आशा करता हूँ। पुनश्च मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ।